इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुख भरी खबर सामने आ रही है, जिसने सभी को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया है। सालों से चले आ रहे सबसे पॉपुलर शो सीआईडी में फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाने वाले दिनेश की मौत हो गई है। जी हाँ, वो सिर्फ 57 साल के थे और इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि उनकी तबीयत बेहद खराब थी और वो वेंटिलेटर पर थी। इसकी जानकारी उनके साथ सीआईडी में डॉक्टर सानुखे की भूमिका निभाने वाले नरेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डियर, आपको ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त हो, ओम शांति। आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो वही दया का किरदार निभाने वाले दया ने बताया है कि उनका लिवर खराब हो चला था और वो वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की, बहुत कोशिश की कि उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद वेंटिलेटर पर वो थे, लेकिन जिंदगी की ये जंग वो हार गए। आपको बता दें कि ना सिर्फ सीआईडी में उन्होंने 20 सालों तक काम किया, इसके अलावा वो कई सारी फिल्मों में भी नजर आए। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और उनका किरदार हमेशा से ही सभी के दिलों में जिंदा रहा है और हर कोई उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है। आपकी इस पर राय हमसे साझा कीजिए कमेंट सेशन के माध्यम से, और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।